हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे इन 10th क्लास साइंस वी विल बी डिस्कसिंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑन स्फेरिकल मिरर्स। वी हैव डिस्कस्ड द रूल्स, रूल्स को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहला रूल जो अभी हम लोग लिया था, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू अ पॉइंट व्हिच इज वी टर्म्ड एज द फोकस, ये पहला रूल था। फिर दूसरा जो अभी हम लोगों ने लिया था, लाइट रे विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, एक दूसरा रूल लिया था। तीसरा वाला, लाइट रे आफ्टर पासिंग थ्रू द फोकस, लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तीन रूल से, ये एक्चुअली लाइट रेज फोकस से पास होंगी अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस, और लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास, है ना। आई एम जस्ट रिवाइजिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स क्विकली। अब उसके बाद लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ बेटा, फोर्थ भी है, फोर्थ दैट विल बी नॉट बी यूजिंग इन फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। जो फोर्थ वाला दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, बट फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस विल नॉट बी डिस्कसिंग दैट फोर्थ वन ऑल्सो, है ना। फोर्थ वाला जो है ऑब्लिक इंसिडेंस का पोल पर, वो कुछ ही केसेस में आगे यूज होगा, दैट विल बी डिस्कसिंग इन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। मैग्निफिकेशन में यूज होता है वो। सो ऑब्लिक इंसिडेंस का जो है पोल पर अगर कोई जा रहा है तो ऑब्वियसली इट विल बी फॉलोइंग व्हाट द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो अच्छा, तुम कहती है तो बना देते हैं। चलो बेटा, लाइट रे यहां पर अगर पोल पर स्ट्राइक कर रही है तो ये पोल से पर नॉर्मल, अगर अभी हम लोग ड्रॉ करना है तो पोल पर नॉर्मल ऐसा कुछ आएगा। दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस विल बी द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट दिस विल नॉट बी यूजिंग इन व्हाट फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, ठीक है। अब इसमें कुछ केसेस अभी हम लोग लेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना और इसमें कुछ ट्रिक्स भी लेंगे टू ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम्स, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू ड्रॉ द डायग्राम्स करेक्टली डिस्पाइट ऑफ नोइंग ऑल दीज फैक्ट्स, कुछ प्रॉब्लम्स जाती हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग सम ट्रिक्स ऑल्सो। तो इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं सबसे ज्यादा टफ पार्ट माना जाता है कौन सा वाला, हाउएवर प्रिसाइजली एंड करेक्टली यू आर ड्रॉइंग द डायग्राम फॉर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ये वाला डायग्राम कभी अच्छे से नहीं आता है ना। सो वील बी डिस्कसिंग द ट्रिक टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो। अब इसमें अभी हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहला केस द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो लाइट रेज फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी पैरेलल, है ना। तो वी विल बी गेटिंग पैरेलल लाइट रेज, और लाइट रेज अगर पैरेलल है तो अब हम लोगों को मालूम है, सपोज वी आर डिस्कसिंग व्हाट कॉनकेव मिरर, we are discussing the cases for concave mirror, तो इसमें अभी हम कहते हैं आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, मिरर ड्रॉ करिए, उसके बाद जितने डिस्टेंस पर फोकस है पोल से उतने ही डिस्टेंस पर, सपोज इफ यू आर टेकिंग दिस 5 सेंटीमीटर देन टेक दिस ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, ये अगर 5 है तो ये 5 है, रीजन ऑब्वियस है, रीजन वी हैव डिस्कस्ड that radius of curvature PC is equal to 2 times PF, radius of curvature is twice of focal length, तो ये चीज पहला trick जो है वो यही है, ठीक है। क्या कि अगर आपने जितने distance पर focus mark किया, आप mark कर लीजिए 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जितने distance पर focus mark किया, ये dot mark किया, उतने ही distance पर आप center of curvature mark करिए, एंड नाउ वी आर हैविंग लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो मेन कॉन्सेप्ट इसमें यह है लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी विल बी पैरेलल लाइट रेज,
लाइट रेज जो इंफिनिटी से आती है वो कैसी आती है, पैरेलल आती है, एंड व्हाट विल हैपन, इसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल कन्वर्ज एट द फोकस एंड दिस विल बी फॉर्मिंग व्हाट अ पॉइंट इमेज, एक पॉइंट इमेज बनेगी, है ना। तो इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं कि नेचर ऑफ इमेज अगर अभी हम लोग देखें तो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस विल बी व्हाट, दिस विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, दिस विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल तो है, रियल कैसे कह रहे हैं, बिकॉज द लाइट रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग, लाइट रेज अगर एक्चुअली इंटरसेक्ट करें टू फॉर्म द इमेज, हमने बोला ये लाइट रेज यहां पर स्ट्राइक करी, रिफ्लेक्ट होकर यहां कहीं पर आएंगी, सो लाइट रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग, सो इफ लाइट रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग देन द इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगी, जब हम लोग आगे के केसेस में और क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज हाईली डिमिनिश्ड, दिस इज व्हाट, हाईली डिमिनिश्ड, एंड हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत स्मॉल इन साइज रहेगा, ठीक है। अब इसमें अगली चीज अभी हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस, फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है। तो ये पहला केस है जिसमें लाइट रेज आर व्हाट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनफिनिटी, ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पर है इसलिए लाइट रेज पैरेलल आएंगे। अब इसके बाद सेकंड केस, सेकंड केस देखिएगा, अब हम लोग क्या करते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पास में लेकर आते जाएंगे, ध्यान से देखना बेटा, दिस इज द पोल, लाइट रे इसमें ये जितने डिस्टेंस पर, ये देखो जितने डिस्टेंस पर अभी हम लोगों ने फोकस लिया है उतने ही डिस्टेंस पर हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क किया, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो क्या बोल सकते हैं, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट विल हैपन, दिस इज लाइट रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल पास थ्रू द फोकस, ऐसा कुछ आएगा, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस, एक ही आ गया। दूसरी लाइट रे अभी हम लोग कौन सी ले सकते हैं, यू कैन टेक दिस लाइट रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाली लाइट रे ऐसी गई और ऐसी आ गई, तो एरोज मार्क किए, ये ऐसी जा रही है, ये मार्क कर दिया, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी आ गई। अब इसमें देखें लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मिरर तक जाएगी एंड दिस विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ पर वापस जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली लाइट रे और इस वाली लाइट रे को देखो, रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसी आ रही है, ये वाली इसी पाथ पर जा रही है, सो दिस इज व्हाट द इमेज ऑफ द पॉइंट ए, इमेज ऑफ द पॉइंट ए, सिर्फ एक ही पॉइंट की इमेज बनाते, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस आल्सो, कि इफ यू आर हैविंग एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, वी विल बी ड्रॉइंग द इमेज ऑफ वन पॉइंट एंड सिंस दिस पॉइंट बी इज लाइंग हियर, तो अभी हम लोग बोलेंगे इसकी इमेज यहां कहीं पर बनेगी, सो द फाइनल इमेज विल बी व्हाट, ए डैश एंड बी डैश। तो अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दिस सेकंड डायग्राम के, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी से दूर या सी के बाहर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट अगर सी के बाहर रखा हुआ तो इमेज का फॉर्मेशन अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ आया है ना। तो सेकंड केस अभी हम लोगों ने लिया है, सेकंड केस में द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, द इमेज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज कैसे आ रहे हैं बेटा, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन रही है और एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, लाइट रेज तो रियल है और इन्वर्टेड है, रियल क्यों है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, रियल है और इन्वर्टेड है, देखो इन्वर्टेड भी समझ में आ रही होगी बात, ये ए जो है इसकी इमेज यहां कहीं पर बन रही है ना, अगर ये ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ बन रही है, इमेज इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है,
डिमिनिश है, मतलब दिस इज स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में इसका साइज जो है पहले से छोटा है। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट केस जो है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो दिस इज दिस आई कंसिडर, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, दिस इज द टफेस्ट टू ड्रॉ, समझने में नहीं है टफ लेकिन सिर्फ ड्रॉ करने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी हमने देखा दे नॉट एबल टू ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपरली। सो द थर्ड केस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, तो पहले इंफिनिटी पर था, इंफिनिटी से पास में ले आए, सी के बाहर है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, इंफिनिटी का वो सिंबल है इंफिनिटी और सी के बीच में, अब कहां पर है, एट सी। अब सी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो ये डायग्राम जो है, अभी हमने बोला दिस इज टफेस्ट टू ड्रॉ, नॉट टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब टू अंडरस्टैंड एनी डायग्राम, द डायग्राम्स आर सिंपल टू अंडरस्टैंड, रूल्स भी बहुत सिंपल हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका पता नहीं क्यों डायग्राम प्रॉपर नहीं आता बच्चों से। ये देखो, इसमें सबसे पहला लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आप ड्रॉ करके देखिएगा बेटा, है ना, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। तो ये देखो, लाइट रे ऐसी गई और ऐसी आ गई, आपको जाने वाला रास्ता भी मालूम होना चाहिए, आने वाला रास्ता भी मालूम होना चाहिए। अब सेकंड लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, this becomes parallel to what, this becomes parallel to अब हमारे पास बेटा आई एम नॉट हैविंग स्केल्स है ना, आपके पास स्केल वगैरह सब कुछ रहेगा, दिस इज द डायग्राम, this is the correct diagram, a dash is formed here and b dash is formed here, to isme abhi hum log ye kehte hain ki this is the most difficult diagram to draw with scale, even with scale and even with measurements, aapne 5 cm ye liya, 5 cm ye liya, ye object draw kiya, most of the students get it correctly, but many students find it very difficult to draw, aapki pata chala ye location, ye jo point of intersection hai, pata chala yahan kahin par aa raha hai ya yahan par aa raha hai। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी देन द इमेज फॉर्म्ड एट सी, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, इट इज फॉर्म्ड ऑफ द सेम साइज, सेम साइज का जितने साइज का ऑब्जेक्ट है, अभी हम लोगों ने इसमें डिमिनिश बताया था, इसमें छोटा हो गया। अब इसमें आप ध्यान से अगर देखें, इमेजिन करना, पहले वाले में हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज का बना था, हाईली डिमिनिश्ड था, यहां पर डिमिनिश्ड बचा, यहां पर अब कैसा क्या सेम साइज, जैसे जैसे मिरर के पास में लाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, चीजें याद हो जाएंगी आपको अगर आप फॉलो करोगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, पॉइंट इमेज बन रही है, फिर जब इंफिनिटी से थोड़ा सा पास मिला लेकिन सी के अभी भी बाहर है तो डिमिनिश्ड बनी, सी पर लिया तो सेम साइज की हो गई, अब और अंदर ले जाएंगे तो पैटर्न को देखकर ऐसा लगता है कि और बड़ा बनना चाहिए, देखेंगे अभी अपन, है ना, सो वी से दैट दिस इज फाउंड एट ऑफ द सेम साइज, रियल है और कैसा है, इन्वर्टेड है। सो द ट्रिक हियर इज ट्रिक टू ड्रॉ द डायग्राम, मतलब ये हालांकि फिजिक्स के हिसाब से दिस इज नॉट करेक्ट, बट सिंस यू हैव टू स्कोर मार्क्स यू शुड ड्रॉ दी प्रॉपर डायग्राम, तो वो मालूम होना चाहिए, हमने आपको रूल्स बता दिए, दीज आर दी रूल्स एंड इसी को अभी आपको फॉलो करना है, लेकिन अगर आपको कम समय में मेजरमेंट किए बिना एकदम एक्यूरेट डायग्राम बनाना है, उसका ट्रिक अभी हम आपको बता दे रहे हैं।
हम ये गलत चीज बोल रहे हैं, बट स्टिल आई वॉन्ट यू ऑल टू स्कोर वेरी वेल, है ना। तो आपको रूल्स सारे मालूम है, रूल से अगर आ जाए तो बेस्ट है, ट्रिक का यूज नहीं करना पड़े। आप क्या करें, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज का इमेज बना लें, बस पैरेलल लाइट रे बना लो, ये पैरेलल लाइट रे बना ली, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, फिर इसको फोकस मार्क कर दो, ठीक है। फिर क्या करो, इधर फोकस से पास होती हुई एक लाइट रे ले लो, यहां पर स्ट्राइक करेगी, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, एकदम परफेक्ट डायग्राम। फिर इसमें किसी मेजरमेंट की भी जरूरत नहीं, नो मेजरमेंट रिक्वायर्ड। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम है पहले से कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज वैसी ही बनने वाली है, उसी साइज की बनने वाली है, कहां पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, है ना। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम है तो अभी आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, आपने सपोज ये 1 सेंटीमीटर का बनाया, नीचे भी 1 सेंटीमीटर की इमेज बना लो, पैरेलल लाइट रे ले लो और उसको जो आपने पहले से इमेज बना ली है, दिस इज नॉट करेक्ट एज पर द रूल्स ऑफ फिजिक्स, यू नो द रूल्स हाउ टू ड्रॉ। लेकिन अभी हमने बोला कि आपको ये सब मालूम होने के बाद भी अगर समय से डायग्राम नहीं बन पा रहा और अच्छा नहीं बन पा रहा तो ये तरीका अभी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद तो इसमें अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए, है ना, थर्ड केस हो गया। नेक्स्ट दी फोर्थ केस, फोर्थ केस क्या है, ऑब्जेक्ट को और पास में ले जाएं। फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखो बेटा इसमें ये एफ है, ये सी है, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। अब इसमें क्या होगा, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस, ऐसा कुछ आएगा, ठीक। उसके बाद सेकंड लाइट रे जो आपको लेनी है, सेकंड लाइट रे अभी आप ऐसी ले सकते हैं, लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम व्हाट, विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा आपके पास स्केल रहेगा, आप प्रॉपरली ड्रॉ कर लेना, है ना। सो दिस विल बी व्हाट, ए डैश बी डैश, दिस इज ए एंड बी। सो व्हाट कैन वी से इन दिस केस, इसमें भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन व्हाट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन C and F, the image is formed beyond C. When the object is placed between what, C and F, the final image is formed beyond C. Just opposite it, object अगर C के बाहर रखा है, इसका पिछला केस अभी हमने लिया था, सी के पहले वाला, इसके पहले वाला, जब सी के बाहर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती है। अब सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज सी के बाहर बनेगी, ठीक है। और उसमें बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनती थी, यहां पर छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज। तो अभी हम लोग पहली बार ऐसा कह रहे हैं कि इमेज इज एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड मैग्नीफाइड है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसमें कैसा कैसा बोला बेटा, इसमें कैसा कैसा बोला, अभी हम लोगों ने
जब इन्फिनिटी पर था तो इमेज हाईली मैग्निफाइड थी, इन्फिनिटी से थोड़ा पास लाए लेकिन सी के बाहर है तो डिमिनिश थी, सॉरी हमने गलत बोल दिया शायद, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो हाईली डिमिनिश इमेज बनी थी, है ना, पॉइंट साइज की बनी थी, फिर आप पास में लेकर आए लेकिन सी के बाहर रखा तो डिमिनिश बनी, फिर सी पर लाए तो सेम साइज की बनी, फिर और पास में लाए ऑब्जेक्ट को, मिरर के पास में लाते जा रहे हैं, है ना, व्हेन दिस इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ इट इज मैग्निफाइड, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग अ मैग्निफाइड इमेज, मैग्निफाइड इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है। अब इसके बाद नेक्स्ट केस, इसमें फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ इसमें दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये एफ है, ये सी है, इसमें दिस इज द ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट के देखो दो नाम हो गए, इस पॉइंट का बी नाम भी है और एफ भी है ना। अब इसमें लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आपने ले ली, व्हाट विल हैपन आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस विल पास थ्रू द फोकस, और ऐसी कोई लाइट रे जो ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ये लाइट रे ऐसा लग रहा है कि कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये वाली लाइट रे दिस विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन, व्हाट विल हैपन, दीज टू विल नेवर मीट, दीज विल बिकम पैरेलल, और पैरेलल लाइट रेज या पैरेलल लाइंस कहां पर जाकर मिलती हैं, हम लोग कहते हैं दीज मीट एट इंफिनिटी, सो व्हाट विल हैपन, यू कैन राइट दिस व्हाट टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पर जाकर मिलेंगी, और इसकी जो इमेज यहां कहीं पर, यहां पर अगर बनाए तो इतनी बड़ी आएगी, और अगर आगे जाकर मिलेंगी तो उसका साइज और बड़ा होता जाएगा, है ना, सो व्हाट वी से इन दिस केस, द इमेज फॉर्मड इज, द इमेज इज फॉर्मड एट, इज फॉर्मड एट इंफिनिटी, ठीक, दिस इज हाईली मैग्निफाइड, ये हाईली मैग्निफाइड है, रियल है, और कैसा है, इन्वर्टेड है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट केस है, द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट प्लेस बिट और पास में लेकर आए एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसमें देखो डायग्राम कैसा आएगा, ये पी आ गया, ये एफ आ गया, ये सी आ गया, इसमें सबसे पहली ये वाली लाइट रे ले ली, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इट विल अपियर टू बी पासिंग थ्रू फोकस, मतलब ऐसा, मतलब जाएगा तो फोकस से, गलत शब्द बोल दिया अभी हमने, इट विल पास थ्रू द फोकस एंड लाइट रे विच इज अलोंग दिस डायरेक्शन, कौन सी वाली डायरेक्शन, जो ऐसा लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि इससे तो बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी, ए से एक लाइट रे निकली जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, एक ऐसी लाइट रे निकली जो कि ऐसा लग रहा है दिस इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए सी, ए को सी से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग कोई लाइट रे अगर गई देन दिस विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ।
अब ये इन लाइट रेज को देखो तो ये आगे जाकर तो नहीं मिलने वाली, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइट रेज है। ये कैसी लाइट रेज है? दीज आर, सॉरी, दीज आर डाइवर्जेंट लाइट रेज। पैरेलल लाइट रेज हमें वहां का याद आ रहा पिछले उसका। दीज आर व्हाट? डाइवर्जेंट लाइट रेज मतलब लाइट रेज आगे जाकर फैल रही है। अब आगे जाकर अगर ऐसी फैल रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो मिलेंगी तो नहीं, तो लेकिन इसमें ऐसा लगता है एज इफ दीज आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड, और जहां पर ये मिल रही है तो वो ए की इमेज आ जाएगी, और ए इसमें ऊपर था तो ए यहां पर भी ऊपर ही आया है, तो इसमें जो इमेज बन रही है वो पहली बार कैसी बन रही है? इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस। लाइट रेस एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन क्या हो रहा है? दीज आर अपियरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए डैश। लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही क्योंकि ये डाइवर्जेंट लाइट रेज आगे जाकर तो मिलेगी नहीं। सो वी से दैट दिस इज अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल क्यों? क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही, एंड वर्चुअल इमेज जितनी भी आती हैं वो कैसी इरेक्ट आएंगी। सो दिस इज अ इरेक्ट इमेज, सीधी है, ऐसा था ऑब्जेक्ट ऐसी इमेज बनी। एंड दिस इज फॉर्म्ड वेयर, इसकी लोकेशन कहाँ है? दिस इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इसकी पोजीशन जो है, पोजीशन क्या है? दिस इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ठीक, और क्या कह सकते हैं? वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, और मैग्निफाइड द इमेज इज व्हाट? मैग्निफाइड। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर्स तो अभी आप देखना, जिनको अभी हम लोग फोकस करके सन की तरफ लेकर उनकी एक इमेज फॉर्म करते हैं, सन से जो लाइट रेज आती है। हाँ, ये अच्छा याद आ गया, कॉनकेव मिरर में लाइट रेज जो है सन से आती है, दोज आर पैरेलल लाइट रेज। और अगर पैरेलल लाइट रेज हैं तो उनकी इमेज कहां पर बनती है? उनकी इमेज फोकस पर बनती है। तो अभी आप बना भी सकते हैं, क्या करें, सन की तरफ इसको आप पॉइंट करो, किसको? रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, कॉनकेव मिरर को, और रास्ते में एक स्क्रीन पेज रख दो, पेज को आप आगे पीछे ऐसे करते जाएंगे तो आपको उसमें इमेज दिखेगी, किसमें? पेपर पर या स्क्रीन पर, और एकदम शार्प इमेज जहां पर आ रही है, एकदम ब्राइट इमेज डॉटेड जैसी, तो वो दैट विल बी व्हाट द एक्चुअल फोकस। और ये अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ निकालने का तरीका भी है, किसका? कॉनकेव मिरर की अगर फोकल लेंथ निकालनी तो आप सिर्फ सन की तरफ फोकस कर लो, और आप एक स्क्रीन या पेपर रख लो और पेपर को आगे पीछे करते जाओ, है ना? पेपर को जलाने के लिए भी हम जैसा करते हैं बिल्कुल वैसे ही, है ना? तो आगे पीछे अगर आप करोगे पेपर को तो एक ब्राइट इमेज, एकदम डॉट जैसी एक ब्राइट इमेज बनेगी सन की, और जहां पर भी बनेगी वहां पर रोक लो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पेज और द स्क्रीन विल गिव यू द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ। ठीक है, अब इसके बाद बेटा, ये तो केसेस थे किसके? फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। इसमें बहुत सारे केसेस अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। कॉन्वेक्स में कोई भी ऐसी पोजीशंस नहीं है, कॉन्वेक्स में ऐसी बहुत सारी पोजीशंस नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसका एफ भी राइट साइड में है और सी भी राइट साइड में। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका स्फीयर कंप्लीट करोगे तो इसका सेंटर यहां कहीं पर राइट साइड में आएगा, फोकस भी राइट साइड में है ना। तो अब हम लोग इसमें कैसा बोलेंगे? अब आप ये चीज जरूर करना, एक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कैसा? कॉपी में आपने एक लाइट रे ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल पास थ्रू व्हाट? दिस विल पास थ्रू और अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। ऐसा कुछ आया? दूसरी लाइट रे अभी आप कैसी ले सकते हो? ये तो देखो, क्योंकि लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल अपियर टू पास थ्रू द फोकस, है ना? अब इसमें सेकंड लाइट रे, हमारे पास बेटा स्केल नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं इतना बड़ा, तो थोड़ा सा मुश्किल है डायग्राम ड्रॉ करना, बट स्टिल आई एम ड्रॉइंग। ये लाइट रे जो ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है,
वो रिफ्लेक्टिव बैक होगी इसी डायरेक्शन में। अब ये रिफ्लेक्ट बैक ऐसी हो रही है तो ये ऐसी जा रही है, ये इधर की तरफ जा रही है, तो ये आगे जाकर तो नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है ये कहां यहां कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इमेज इसकी ऐसी कुछ आएगी। तो इसकी कोई भी पोजीशंस नहीं है, एक ही पोजीशन है इसमें, ना तो बियॉन्ड सी है, ना एट सी है, सी और एफ भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी आप एक पोजीशन ले सकते हैं, यू कैन ड्रॉ एनी। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट जरूर कर देखना कि आप जैसे जैसे इसको दूर ले जाएंगे, आप एक ऑब्जेक्ट ऐसा हमारी तरफ से लेकर देखना बेटा, इफ यू आर टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट अवे, मतलब एक पोजीशन ये ले लेना, एक पोजीशन ये ले लेना और एक पोजीशन ये ले लेना, जैसे जैसे आप दूर लेकर जाओगे तो इमेज का साइज छोटा होता चला जाएगा, इमेज का साइज जो है छोटा होता चला जाएगा और ये फोकस की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ये देख लेना, है ना। जस्ट ट्राई टू ड्रॉ 2-3 केसेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे, ऑब्जेक्ट को अगर आप दूर लेकर जाते जाओगे तो इमेज का जो साइज है और छोटा होता जाएगा और इसकी जो पोजीशन है वो और फोकस के पास होती जाएगी। आप जितना ज्यादा दूर ले जाओगे ऑब्जेक्ट, ये इमेज जो है उतनी ज्यादा फोकस के पास में बनेगी। बनाने का तरीका क्या रहेगा, आप ये कॉनकेव मिरर लो, 5 सेंटीमीटर ये लो, 5 सेंटीमीटर ये लो, फिर रूल्स जो आपको मालूम है उन्हीं रूल्स को अभी आप अप्लाई करिएगा, और इसी के बेसिस पर अभी हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर रखा रहेगा तो लाइट रेस पैरेलल आएंगी और इसकी वर्चुअल और हाईली डिमिनिश्ड इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, है ना। तो इसमें देयर आर ओनली 2 पॉसिबल केसेस, एक ही केस है एक्चुअल में हमारे हिसाब से, दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो इसमें इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, एंड इट इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में ही रहेगी इमेज की पोजिशन। हाँ, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे दूर ले जाओगे तो इमेज का साइज छोटा होगा और वो और ज्यादा फोकस की तरफ शिफ्ट होगी। जब बहुत दूर चला जाएगा इंफिनिटी पर तो बहुत छोटी हो जाएगी, मतलब पॉइंट बन जाएगा, और कहां पर पहुंच जाएगी, फोकस पर पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुडे वी डिस्कस व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑन अ कॉनकेव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बेटा, चलिए दैट्स ऑल।